हमारा टॉपिक है एग्रीगेट फैक्टेबल। हमने फैक्टेबल के बारे में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि फैक्टेबल का जो साइज होता है वो बड़ी तेजी से बढ़ता है, ठीक है। और उस जो प्रॉपर्टी एसोसिएटेड हमने फैक्टेबल की पढ़ी थी इस चीज़ से, उसमें हमने कहा था कि फैक्टेबल इज डीप, यानी कि फैक्टेबल में रोज बहुत ज़्यादा होती है। अभी इस सिनेरियो में हमारे पास एक सेल्स के एनालिसिस के लिए हमने डायमेंशनल मॉडल क्रिएट किया है जो कि स्टार स्कीमा रिप्रेजेंट हो रहा है इस फिगर में। और स्टार स्कीमा में हमारे पास जो चीज़ शो हो रही है वो ये है जी कि आपके पास एक फैक्टेबल है और चार डिफरेंट डायमेंशन है। अब अगर हम ये सपोज करें कि हमारे पास 5 साल का डेटा है, वो 5 साल के डेटा में आपके पास हर दिन के 360 हर जो साल का है उसके हर साल के 365 डेज हैं, तो उन 365 डेज का डेटा पड़ा होगा। और आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपके पास जो नंबर ऑफ स्टोर्स हैं वो 300 स्टोर्स हैं, और आपके पास यानी कि 300 स्टोर में जितनी सेल्स जनरेट हो रही हैं वो सारी सेल्स आप रिकॉर्ड करते हैं। अब इन दिस केस हम अपने जो एनालिसिस होता है केस को थोड़ा सा सिंपल रख रहे हैं अपने केस को। हम ये नहीं कह रहे कि आप बहुत बड़ी कोई ब्रांड हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप 300 स्टोर्स हैं अगर, तो उनमें सिर्फ 40,000 प्रोडक्ट्स हैं एक प्रोडक्ट एक स्टोर में, और उन 40,000 में से सिर्फ 4,000 सेल होती हैं एक दिन में, जिसको बेसिकली हम एक बड़ा सिंपलिस्टिक किस्म के एनालिसिस के लिए बात करें कि 4,000 आइटम सेल होती हैं। क्योंकि इन रियल वर्ल्ड हम ऐसी लिमिटेशन नहीं लगा सकते, ऐसा पॉसिबल है कि किसी स्टोर में 8,000 सेल हो रही हों, किसी और स्टोर में 5,000 सेल हो रही हों, लेकिन लेट्स अज्यूम कि हमने एक एवरेज लगा ली है कि ठीक है तमाम स्टोर्स की जो एक एवरेज आती है वो ये है कि 4,000 यूनिक प्रोडक्ट सेल होती हैं किसी स्टोर में। अब यहाँ पे ये भी चीज़ है कि अ सोल्ड आइटम मे बी इन ओनली वन प्रोमोशन। अच्छा, ये जो चीज़ है ये हमने एक और लिमिटेशन लगा दी कि जब हम प्रोमोशंस के रिलेटेड डेटा लगा रहे हैं कि जहाँ पे हमने कोई सेल लगाई हुई है, तो हम ये कहते हैं कि एक जो आइटम है वो किसी एक प्रोमोशन का ही हिस्सा हो सकती है किसी स्टोर में। फॉर एग्जांपल, अगर आप लेट्स से कि कोई कीचेन आपको फ्री मिलना है, तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो मल्टीपल प्रोमोशंस के अंदर वो मिल रहा हो कि अगर आप आइटम एक्स खरीदेंगे तब भी आपको कीचेन मिलेगा और आइटम वाई खरीदेंगे तब भी कीचेन मिलेगा, या लेट्स से कि अगर आप इस चीज़ के साथ खरीदेंगे तो कीचेन पे आपको 5% डिस्काउंट है और किसी और आइटम के साथ खरीदेंगे तो 10% डिस्काउंट है। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आपकी प्रोमोशन बिल्कुल सिंपल है कि एक आइटम ही सेल पे होगी और उस पे एट अ टाइम एक प्रोमोशन अप्लाई हो रही होगी। तो हमने बेसिकली रियल वर्ल्ड के जो मार्केटिंग सिनेरियोज थे उनको सिंप्लीफाई थोड़ा कर दिया। एंड इवन इन दैट केस इफ यू वांट टू मेजर द नंबर ऑफ रोज, तो आपके पास बेसिकली आप 5 को 365 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, उसके बाद 300 स्टोर्स हैं और हर स्टोर के अंदर 4,000 प्रोडक्ट्स हैं, तो इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल नंबर ऑफ रोज आपके पास आ जाती हैं जो आपके फैक्ट टेबल में एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं फॉर द डेटा ऑफ 5 ईयर्स। दिस इज़ अ बिग नंबर, क्योंकि ये बिलियंस में आपके पास फैक्ट टेबल की रोज आ जाएंगी। टू बी वेरी प्रिसाइज, हमारे पास ये अप्रॉक्सीमेटली 2 बिलियन के करीब एक नंबर आएगा। 2 बिलियन रोज इन अ टेबल इज अ ह्यूज नंबर। फिर कंसिडरिंग द फैक्ट कि एक्चुअल में इन रोज में से कुछ रोज के ऊपर जब आपने एनालिसिस करना है तो उन रोज को आपने ज्वाइन करना पड़ेगा दोबारा डायमेंशन टेबल से, तो इन 2 बिलियन रोज में से रेलिवेंट कंसर्न रोज को एक्सट्रैक्ट करना, उसके बाद इनको ज्वाइन करना, इट्स अ कॉस्टली ऑपरेशन। तो इस प्रोसेस, इसका जो टाइम कॉस्ट होगी, जो कंप्यूटेशन कॉस्ट होगी, इसको ऑप्टिमाइज करना इज ऑफ प्राइम इंटरेस्ट टू अस। अगर हम किसी और शोबे की एग्जांपल लेना चाहें, क्योंकि अभी तो हमने लिया कि हम सेल्स से रिलेटेड बात करें, जो सेल्स हो रही हैं लेट्स से आपके किसी मार्ट में या किसी भी रिटेल स्टोर में। अगर आप लेट्स से टेलीफोन कंपनी की बात करें तो टेलीफोन कॉल मॉनिटरिंग सिस्टम अगर आप बना रहे हैं, आपने 5 साल का डेटा स्टोर करना है और जितनी कॉल्स को आपने ट्रैक करना है दे मे बी लाइक एक दिन में आपके पास 150 मिलियन हो सकती हैं, तो 5 ईयर्स का डेटा वुड गो अप टू 274 बिलियन। नाउ 274 बिलियन इज मच मच बिगर नंबर देन व्हाट वी हैव प्रीवियसली सीन।
अगर इसी तरह हम बात करें क्रेडिट कार्ड की, बैंकिंग इंडस्ट्री में क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी बेस पे यूज़र्स की क्रेडिट रैंकिंग बन रही होती है। इसकी बेस पे हम ये डिटरमिन करते हैं कि क्या हमने किसी को लोन देना है या नहीं देना, किसी बंदे के फ्रॉड कंडक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हाई है। अगर उसकी प्रोबेबिलिटी हाई है कि वो फ्रॉड कंडक्ट करेगा तो हम उसे क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करते या उसकी क्रेडिट रेटिंग को लो कर देते हैं ताकि बैंक रिस्क कम से कम ले। तो ये सारे, इसके लिए भी आपको ऑब्वियसली डेटा स्टोर करना पड़ेगा। लेट्स से आप कहते हैं कि मैंने 5 ईयर्स का ही डेटा स्टोर करना है, और 5 ईयर्स में बेसिकली आप मंथली एक उसकी एवरेज स्टोर कर रहे हैं कि इसने क्रेडिट कार्ड की टोटल पेमेंट कितनी की थी एक मंथ की, उसकी ट्रांजेक्शन कितनी थी, एंड सो ऑन। बट द नंबर ऑफ अकाउंट्स दैट यू हैव टू मेंटेन इज अबाउट 150 मिलियन, और जो उसकी आपके पास अगर लेट्स से अकाउंट्स के आप ट्रांजेक्शंस भी नोट करना चाह रहे हैं तो फिर उसका ग्रीन 20 पे चला जाता है कि अगर आप कहते हैं कि एक अकाउंट ऑन द एवरेज 20 ट्रांजेक्शंस करता है। ये हमने एक एवरेज ले लिया है, कुछ अकाउंट्स ज़्यादा करते होंगे, कुछ अकाउंट्स कम ट्रांजेक्शंस भी करते होंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बेस टेबल जो फैक्ट टेबल है उसकी रोज़ कितनी है जी, 180 बिलियन तक इसकी रोज़ चली जाएंगी इफ़ यू हैव ओनली 150 मिलियन क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स। नाउ थिंक ऑफ इट ऑन अ बिगर स्केल कि लेट्स से आपके पास जो आप डेटा वेयर हाउस डिज़ाइन कर रहे हैं वो वीज़ा का है या मास्टर कार्ड का डेटा वेयर हाउस है। नाउ यू वुडंट हैव ओनली 150 मिलियन कस्टमर्स, ठीक है, यू मे हैव 500 मिलियन कस्टमर्स। तो क्योंकि आप मल्टीपल कंट्रीज अक्रॉस मल्टीपल सब मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स आपका बिजनेस हो रहा होगा तो आपके कस्टमर्स बढ़ जाएंगे हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आपने उसके सारे एम्प्लॉयज़ को क्या अब तक क्रेडिट कार्ड इशू किया हो सकता है एक ही शख्स को 3 डिफरेंट बैंक अकाउंट से क्रेडिट कार्ड इशू किए गए हों, या एक उसका पर्सनल क्रेडिट कार्ड हो, एक उसका ऑर्गेनाइजेशनल क्रेडिट कार्ड हो, एंड सो ऑन। तो ये डिफरेंसेस होने की बेस पे आपके पास अगर आप वीज़ा के लिए डेटा वेयर हाउस बना रहे हैं या मास्टर कार्ड के लिए डेटा वेयर हाउस बना रहे हैं तो द नंबर कैन ग्रो मच बिगर। अगर हम यहाँ पे एक सिंपल से एग्जांपल देखते हैं, हम कहते हैं कि जी अगर आपके पास टोटल सेल्स फॉर कस्टमर आपने रिट्रीव करनी है, कस्टमर नंबर आपको बता दिया गया है, लेकिन आपने जो रोज जो डेटा एक्सट्रैक्ट करना है वो सिर्फ फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2000 का है, तो सारे रेलेवेंट डेटा में से आपने एक स्पेसिफिक आइटम के लिए एक स्पेसिफिक वीक यानी कि 7 डेज ऑफ रोज रेलेवेंट रोज एक्सट्रैक्ट करनी है फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, और कस्टमर नंबर भी आपको बता दिया है। अब अगर अज्यूम ये करें कि एक कस्टमर एक दिन में एटली मोस्ट भी एक ही प्रोडक्ट खरीदता है और एक सिंगल प्रोडक्ट एक दिन में खरीदता है, तो मैक्सिमम जो रोज़ रिटर्न हो सकती हैं वो बेसिकली एक एक कस्टमर के एक विजिट ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है कि वो 7 डेज में हर रोज़ एक दफ़ा खरीदी हो, तो 7 टोटल रोज़ रिटर्न हो सकती हैं। नाउ यू विल हैव टू सिफ्ट थ्रू 2 बिलियन रोज़ टू एक्सट्रैक्ट दीज 7 रोज़। सिमिलरली अगर आपकी क्वेरी थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स हो गई, आपने कहा कि जी टोटल सेल्स जो आपने निकालनी है वो इस कस्टमर की हैं लेकिन आपने फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए निकालनी है। नाउ आपके पास हर मंथ का ऑन द एवरेज अगर आप 30 डेज लगा लें तो आपको 90 रोज़ एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेंगी फ्रॉम द कंसर्न फैक्ट टेबल्स, और उससे रिलेटेड जो भी आपको जिस डायमेंशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए उसके साथ आप उसको ज्वाइन कर लेंगे। एक सिमिलर एग्जाम्पल ये आपके पास हो सकती है कि अगर आप चाहें कि किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए फर्स्ट 2 क्वार्टर्स का डेटा निकालना है और प्रोडक्ट कैटेगरी लेवल पे आप बात कर रहे हैं तो अब आपके पास ज़्यादा रोज़ रिटर्न होंगी, यानी कि आपकी एज द क्वेरी चेंजेस आपकी नंबर ऑफ रोज़ डिफरेंट होती जाएंगी। अब अगर इन डिफरेंट रोज़ के ऊपर आपने फर्दर कोई टोटल्स कैलकुलेट करने, जो कि हमने देखा कि एनालिटिकल रीजन के लिए हम यूजुअली सम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, एवरेजेस निकाल रहे होते हैं, या हो सकता है कि हम उसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू को कंपेयर करना चाह रहे हों कि एक्चुअल में वेरिएशन कितनी आ रही है हमारे डेली के सेल्स में, डेली के रेवेन्यूज़ में,
या किसी स्पेसिफिक आइटम की सेल में, या किसी स्पेसिफिक कस्टमर के परचेज बिहेवियर्स में। तो इस तरह की सारी चीज़ों को फैसिलिटेट करने के लिए जब आप एनालिसिस करेंगे, तो एज द नंबर ऑफ रोज ग्रो बिगर, आपके पास रिजल्ट में 50 रोज़ आना शुरू हो गई, 50,000 रोज़ आना शुरू हो गई, या 5 मिलियन रोज़ आना शुरू हो गई, तो अब आपको जब उसके ऊपर समेशन लगानी है, उसके ऊपर कोई भी एग्रीगेट फंक्शन लगाना है, तो उसकी अपनी एक एसोसिएटेड कॉस्ट है कि वो बार बार आपको वो कैलकुलेशन परफॉर्म करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से आपके कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज और टाइम कंज्यूम। इस सारे मसले को हल करने के लिए हमारे पास एग्रीगेट फैक्ट टेबल्स हैं जी। एग्रीगेट फैक्ट टेबल एक ऐसा सोल्यूशन है कि जिसमें हम फैक्ट टेबल के अंदर से उन रोज़ को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कुछ किसी खास पैरामीटर के ऊपर हम एवरेज काउंट और मिन मैक्स रिलेटेड जितने एग्रीगेट फंक्शंस हैं इनको कैलकुलेट करके प्री स्टोर कर लेते हैं। प्री स्टोर करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको हर दफ़ा बेस फैक्ट टेबल से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं करनी पड़ती, बल्कि आप एग्रीगेट फैक्ट टेबल पर जाते हैं और वहाँ से इंफॉर्मेशन को रीड करके उसको यूज़र को शो कर देते हैं। तो आपके पास एक जो कंप्यूटेशनल रिसोर्स है वो बच जाती है, और इसका साइड इफेक्ट ये हो जाएगा कि आपका जो स्टोरेज एक्स्ट्रा आपकी कंज्यूम। फॉर एग्जांपल अगर आप इस सारे प्रोसेस में देखें, तो आपके पास अबाउट 1.9 बिलियन रोज़ बन रही थी, ये केस हमने पहले डिस्कस किया है। लेकिन अगर आप चाहें कि इस पे एग्रीगेट फैक्ट टेबल लगा लें, तो एग्रीगेट फैक्ट टेबल में हम इसकी नंबर ऑफ रोज़ को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आर चॉइस कि हम किन डायमेंशंस के क्रॉस एग्रीगेशन परफॉर्म करेंगे। लेट्स से कि हमारे पास ये सिनेरियो है, और हम इसके लिए अगर ये चाहें कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट और स्पेसिफिक स्टोर की 1 वीक की इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो और उसमें हम स्टोर की इन्फॉर्मेशन इस तरह की हुई थी कि हमारे पास लोएस्ट ग्रेन जो था कि वो ट्रांजेक्शन्स पर वीक ही स्टोर हो रही थी, तो फिर हमारे पास मैक्सिमम 1 रो रिटर्न हो रही है। लेकिन अगर एक प्रोडक्ट के लिए आप तमाम स्टोर्स की 1 वीक का डेटा लेना चाह रहे हैं, तो 300 रोज़ आ रही हैं। सिमिलरली प्रोडक्ट के बजाय अगर आप बड़े लेवल पे जाते हैं, एक ब्रांड पे, यानी एक ब्रांड में मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं और आप उसके सिर्फ एक स्टोर की बात कर रहे हैं। अब वी आर अज्यूमिंग कि लेट्स से एक ब्रांड में अबाउट है वी हैव अबाउट 500 प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो आपके पास 1 वीक के लिए एक स्टोर की 500 आइटम्स की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, तो 500 रोज़ रिटर्न होंगी। बट वॉट इफ के वी वॉन्ट द डेटा फॉर वन ब्रांड फॉर ऑल स्टोर्स एंड 1 ईयर। अब एक ब्रांड में 500 प्रोडक्ट से हम प्रोडक्ट के लेवल पे डेटा स्टोर करते हैं, तमाम स्टोर्स में आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो अबाउट, आपने कह दिया कि 300 स्टोर्स है, तो 300 स्टोर्स का डेटा आपके पास मौजूद है, और फिर आपके पास 1 ईयर यानी कि 365 डेज का डेटा मौजूद हो सकता है। नाउ इन दिस केस वो 365 नहीं था, हमने कहा था कि पर वीक है, सो वी कैन जस्ट कंसिडर इट 52। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपको पता लगता है कि आपके पास यू स्टिल गेट अ मच बिगर नंबर विच इज़ अबाउट 7.8 मिलियन रोज़। तो ये 7.8 मिलियन रोज़ आपके पास आ रही हैं और आप इनको स्टोर कर रहे हैं, और इनमें से आपको फर्दर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट आप कर सकते हैं। सो अगर आपने एग्रीगेट फैक्ट टेबल में इस तरह से एग्रीगेट कर दिया कि आपने लेट्स से वीक वाइज इंफॉर्मेशन को स्टोर कर दिया, तो 1 साल का डेटा आपके पास 7.8 मिलियन रोज़ में आपके पास स्टोर हो गया है। अब आपने बजाय इंफॉर्मेशन को डे लेवल पे रखने के, आपने वीक लेवल पे इसको एग्रीगेट कर दिया था। एग्रीगेट्स हैव फ्यूअर रोज देन द बेस टेबल्स, एज वी हैव सीन कि आपके पास एग्रीगेट फैक्ट टेबल में नंबर ऑफ रोज कम हो जाती हैं, और 1 साल की इंफॉर्मेशन आपके पास 7.8 मिलियन रोज में आ रही थी। अगर आप 5 ईयर्स के भी डेटा रखेंगे, तो वो 7.8 × 5 अबाउट लेट्स से 36-37 मिलियन रोज आ जाएंगी आपके पास, विच इज स्टिल अ रीजनेबल नंबर एज कम्पेयर टू 1.9 बिलियन। वेन मोस्ट ऑफ द क्वेरीज आर रन अगेंस्ट द एग्रीगेट फैक्ट टेबल इंस्टेड ऑफ द बेस टेबल, देर इज अ ट्रिमेंडस परफॉर्मेंस बूस्ट। तो अगर आपने एग्रीगेट बनाने के लिए जिन डायमेंशन का इंतखाब किया वो अच्छे थे, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास फाइनल आउटपुट रीजनेबल आ रही होगी, और आपकी ज़्यादातर क्वेरीज एग्रीगेट फैक्ट टेबल की बेस पे एड्रेस हो रही होंगी। इससे आपके डेटा वेयर हाउस की ओवरऑल परफॉर्मेंस मच बेटर हो जाएगी, और लिहाजा ये साबित हुआ कि हम एग्रीगेट फैक्ट टेबल को अपने जो सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते।
एग्रीगेशन जो होती है मल्टीपल हायरार्किकल लेवल्स पे हम कर सकते हैं, वो हमारी अपनी चॉइस होती है। यूजुअली इट डिपेंड्स ऑन द यूजेज बिहेवियर्स ऑफ द कस्टमर्स। आप प्रोडक्ट के अंदर अगर आपके पास एक हायरार्की पाई जाती है जिसमें डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के कुछ कैटेगरीज हैं और उन कैटेगरीज की फर्दर प्रोडक्ट्स हैं, तो यू मे चूज़ टू डिसाइड कि हम प्रोडक्ट लेवल पे इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे या हम सारी प्रोडक्ट्स को एग्रीगेट करके कैटेगरी लेवल तक मेंटेन करेंगे। सिमिलरली आप डेट, मंथ, ईयर अगर आपके पास है, तो डेट इज़ द लोएस्ट ग्रेन। आप इस ग्रेन में क्वार्टर पे जा सकते हैं कि हम क्वार्टर लेवल पे एग्रीगेट कर लेंगे, बिकॉज मे बी वी आर मोर इंटरेस्टेड इन क्वार्टर वाइज एनालिसिस समहाउ। सो दैट वुड डिपेंड जनरली ऑन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द टॉप मैनेजमेंट, हाउ दे यूज द इनसाइट्स फॉर देयर डिसीजन मेकिंग। इसमें फिर हमारे पास एग्रीगेट फैक्ट टेबल्स में मल्टीपल ऑप्शंस आ जाती हैं। हम वन वे एग्रीगेट्स क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम सिर्फ किसी एक डायमेंशन की लोएस्ट ग्रेन से हायर लेवल ग्रेन पे चले जाते हैं, लेकिन बाकी डायमेंशंस पे लोएस्ट लेवल ऑफ डेटा मेंटेन करते हैं। टू वे एग्रीगेट्स हो सकते हैं जिसमें हम दो फैक्ट टेबल्स या दो डायमेंशन टेबल्स के अंदर जो आपके पास दो हायरार्कीज हैं, उन हायरार्कीज को एग्रीगेट कर लेते हैं टू अ हायर लेवल ऑफ ग्रेन। थ्री वे में आप मल्टीपल थ्री तीन डायमेंशंस को कर सकते हैं। बेसिकली यू कैन गो अप टू एनी नंबर ऑफ डायमेंशंस फॉर एग्रीगेशन। जनरली हम इन तीन को तो कॉमनली डिस्कस करते ही हैं। दीज आर सम एग्जाम्पल्स। वन वे एग्रीगेट की एग्जाम्पल ये हो सकती है कि आपने हर स्टोर के लिए डेटा स्टोर किया है, यानी इसको टेरिटरी या रीजन लेवल पे नहीं लेके गए, लेकिन जब प्रोडक्ट की बात आई तो वो प्रोडक्ट को आपने कैटेगरी लेवल पे स्टोर करना शुरू कर दिया और इंडिविजुअल प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं की आपने। और जब टाइम की डायमेंशन में आपने बात करनी थी, तो टाइम के लिए आपने डेट ही की इन्फॉर्मेशन स्टोर की लोएस्ट ग्रेन, और इसको एग्रीगेट नहीं किया। सिमिलरली अगर आप टू वे पे जाना चाहें तो आप कर सकते हैं कि आप टेरिटरी और प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन फॉर ईच इंडिविजुअल डे स्टोर कर रहे हैं। बट इफ़ यू वॉन्ट टू डू अ थ्री वे एग्रीगेट, यू मे चूज़ टू गो फॉर टेरिटरी, कैटेगरी एंड मंथ वाइज इंफॉर्मेशन। वन वे एग्रीगेट फैक्ट टेबल की ये एक हमारे पास एग्जाम्पल भी बन रही है जी, कि हमने एक वन वे एग्रीगेट बनाया है और उस वन वे एग्रीगेट में हमने कैटेगरी की इंफॉर्मेशन स्टोर करना शुरू कर दी है इंस्टेड ऑफ द प्रोडक्ट, जो कि आपके पास ओरिजिनल बेस फैक्ट टेबल में स्टोर हो रही थी। तो ये आपके पास डिफरेंस आ गया और इसको हमने बाकी तमाम जो आपके डायमेंशन टेबल्स थे उनके साथ लिंक कर दिया कि टाइम की भी है आपके पास, स्टोर की भी है, एंड सो ऑन। प्रैक्टिकली हम ऐसा नहीं करते कि डेटा वेयरहाउस के स्टार्ट में ही हम सारे एग्रीगेट फैक्ट टेबल्स बना लें, बल्कि हम कुछ एग्रीगेट फैक्ट टेबल्स बना लेते हैं बेस्ड ऑन द इनिशियल असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन, या इट कुड बी बेस्ड ऑन आर ओन एक्सपर्टीज ऑफ वर्किंग इन दैट स्पेसिफिक डोमेन। बट उसके बाद हम यूजेज बिहेवियर्स, जो बिजनेस इंटेलिजेंस टीम्स होती हैं या टॉप सीनियर मैनेजमेंट के जो एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके बेस पे हम एग्रीगेट फैक्ट टेबल्स को डिज़ाइन करके डिप्लॉय करते हैं।